जो लोग अपने बच्चे को लेकर, जो माँ बाप रोते हैं ना, जो माँ बाप रोते रहते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा ये हो गया, हमारा वो रह गया, उसके पीछे रीजन यही है कि तुमने अपने बच्चों को आधुनिक एजुकेशन तो खूब दी है, पर जिससे वो मानव बन सके ऐसी कोई आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं दी है, जिसे पता चल सके कि मानव का बेटे का क्या दायित्व है, बहू का क्या दायित्व है, बेटी का क्या दायित्व है, जमाई का क्या दायित्व है। क्या हमारे बच्चे जानते हैं? सभी को एक दायित्व मालूम है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, पेट भरो और सो जाओ, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। यही माँ बाप ने सिखाया, यही समाज ने सिखाया, यही विद्या एजुकेशन जो वो सिखा रही, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अरे पेट भरना ही अगर सबसे बड़ा ज्ञान है तो कुत्ते भी भर लेते हैं। शायद हमारे पास, कईयों के पास इतने अच्छे घर नहीं होंगे जितने अच्छे घरों में कुत्ते रहते हैं बड़े सेठों के साथ। ये कोई बड़कपन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो पहले उनको धर्म के अनुसार उनकी जिम्मेदारी समझाओ। बेटे हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहू हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये धर्म के अनुसार ही सिखाना चाहिए, आजकल की एजुकेशन के हिसाब से नहीं। मैंने हमेशा कहा है, कहता हूं, कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि जब भी आप कथा सुनने जाओ अपने परिवार के साथ सुनने जाओ, बच्चों के साथ स्पेशली, और कथा टाइम पास के लिए मत सुनने जाओ। एक एक चीज कैच करनी है, एक्सेप्ट करनी है, सीखनी है, जीवन में धारण करनी है, इसके लिए कथा सुनने जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक में उदास बैठे थे तो किशोरी जी ने पूछा, आपकी उदासी का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार के लोग मन के मुताबिक कर्म करते हैं, और जैसा मन करता है वैसा कर्म करते हैं, और उसका दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है, और जब दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है तो दुखी होते हैं, और जब दुखी होते हैं तो नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, कीड़े बनते हैं, मकोड़े बनते हैं, पशु बनते हैं, जड़ बनते हैं, हरे की योनि में जाना। अभी हम लोग मनुष्य है ना, तो अभी हम समझते हैं, अरे हमसे बड़ा बॉस कौन है? अरे भाई अभी हो अच्छे, जड़ बना दिया गया तो, पेड़ बना दिया गया तो। भागवत में दसम स्कंद में प्रसंग आता, कुबेर के बेटों को वृक्ष बना दिया गया था, कुबेर के बेटों को। तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, हमारी बोलो, कुबेर की औलाद क्या बन गई, पेड़ वृक्ष बन गई, जड़ बना दिया, ना अपनी मर्जी से हिल सके, ना डुल सके, ना जा सके, ना खा सके। किसको बना दिया भगवान ने? कुबेर के बच्चों को। तुम पे तो इतना धन कभी नहीं आ सकता इस जन्म में, इतना बड़ा पद नहीं आ सकता इस जन्म में, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। यहां थोड़ा सा पद मिल जाए अहंकारी हो जाते, भगवान को ही डिनाई कर देते, हम नहीं मानते भगवान को। अभी तो नहीं मानोगे, गूंगे हो जाओगे तब बोल नहीं सकोगे, अंधे हो जाओगे तब देख नहीं सकोगे, लंगड़े हो जाओगे चल नहीं सकोगे, लूले हो जाओगे कोई काम नहीं कर पाओगे। ये किसके हाथ में है बोलो, किसके हाथ में? हमारे मम्मी पापा के हाथ में नहीं है, पैसों के हाथ में नहीं है, किसी एमएलए एमपी के हाथ में नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता मैं तुम्हें लंगड़ा, लंगड़े हो गए तो मैं तुम्हें पैर दे दूंगा, गूंगे हो गए तो मैं जवान दे दूंगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। कितनी वैल्यू है किन लोगों की जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कुछ मिल जाए हम लोग अहंकारी हो जाते हैं, भगवान से भी आशा रखते हैं खड़ा होकर हमें प्रणाम करे, भगवान प्रणाम करे। जो मनुष्य साधु संतों से प्रणाम की आशा रखता है, जो मनुष्य भगवान से प्रणाम की आशा रखता है, भगवान के यहां जाके भी आदर की आशा रखता है, वो मनुष्य नहीं है। भगवान के यहां जाके सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, करवाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। साधु संत गुरु ब्राह्मण भगवान इनके यहां जाकर, सत्संग में भी जाकर कोई अगर अपने सम्मान की आशा रखता है तो वो सच्चा सनातनी हो ही नहीं सकता, वो नकली सनातनी है, वो झूठा हिंदू है।
भगवान के यहां जाके तो सेवा करने का भाव मन में दृढ़ होना चाहिए। और यही बातें हमें हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। हम चाहे विधर्मियों की कितनी भी निंदा करें, पर उनकी एक विशेषता है, छोटे से बच्चे के साथ भी वो 5 टाइम कहते हैं कि तुम पाठ करो अपना जो भी होता है, छोटे से बच्चे को। और तुम्हारा बच्चा एक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता नित्य, फिर बुढ़ापे में तुम नहीं रोगे तो क्या मैं रोऊंगा? तुम्हें ही रोना पड़ेगा, संस्कार विहीन तो तुमने बनाई अपनी औलाद। जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी होंगी, कुछ फ्रेंड्स बैठी होंगी, वो घूम रहे होंगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खोल रहे होंगे, और उसके पीछे एकमात्र रीजन होगा तुम्हारा धृतराष्ट्र जैसा झूठा प्यार, गांधारी जैसा अंधा मोह। एकमात्र रीजन होगा तुम्हारी औलाद को और तुमको नरक में ले जाने के लिए। इसलिए धर्म को जानो, अगर सच्चे सनातनी हो तो खुद भी जानो, अपने बच्चों को भी जनाओ। ये मेरी प्रार्थना आप सब सनातनियों से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे यहां 4 श्रोता बढ़ेंगे या घटेंगे, इट्स नॉट बिग डील माय डियर। जब तक आप सुनोगे मैं सुनाता रहूंगा, जब आप सुनना बंद कर दोगे मैं भी कथा बंद करके अपने बैठ के आराम से कथा भजन करूंगा, मेरा क्या है। पर आपका होगा, आपको चमचागिरी करने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे, लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं सत्य बोलूं और समाज को सही दिशा दिखाऊं, गलत दिशा नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को अकारण बुढ़ापे में रोना ना पड़े, तो धर्म के कारण ही तुम और यहां भी सुखी हो सकते हो और वहां भी। बिना धर्म अधर्मी कहीं सुखी नहीं हो सकता, हम लिख के दे सकते हैं। जो अधर्मी मनुष्य होगा वो कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, सिर्फ धर्मात्मा ही सुखी होगा। तो इसलिए खुद भी धर्मात्मा बने। और ये सब शिक्षा कौन सिखाते? ये भागवत, ये कथाएं, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ हमें बताते हैं, हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण, भगवान से मिलना बताती है ये रामायण। पिता को करना क्या है जीवन में, वो उपदेश देना सिखाती है हमें रामायण। मां की ड्यूटी क्या है, पिता की, ये ग्रंथ ही तो बता सकते हैं हमें। हम नहीं जानते आप लोग सुनना क्या पसंद करते हैं, हम नहीं जानते आप क्या लाइक करते हैं। इस बार वही सुन लो, वही पसंद कर लो जो हम कहते हैं, अगली बार हम वो कह देंगे जो आप पसंद करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा?